दोस्तों डॉग्स के साथ हमारी लाइफ कितनी अच्छी होती है ना, सारा दिन उनके साथ खेलना मस्ती करना। और मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि अगर आप लोग घर में अकेले रहते हैं तो आप लोगों को एक डॉग परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों को घर में बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे। बट परचेज करने से पहले आप लोगों को ये जरूर देख लेना है कि आप लोग कौन सी डॉग ब्रीड को परचेज कर रहे हो, क्योंकि अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट कुछ और है और आप लोगों ने परचेज कुछ और कर लिया तो फिर आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन आज जो डॉग ब्रीड मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इसे कोई भी परचेज कर सकता है, क्योंकि भाई अगर आप लोगों को एक फैमिली डॉग ब्रीड की रिक्वायरमेंट है तो भी, और अगर आप लोगों को एक गार्ड डॉग ब्रीड की रिक्वायरमेंट है तो भी, क्योंकि जर्मन शेफर्ड जो है ये फैमिली प्लस गार्ड डॉग्स होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी ब्रीड के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पीस है, और इन पपीज में आप लोगों को मेल और फीमेल दोनों ही टाइप के पपीज मिल जाएंगे। तो गाइस जैसा कि हर कोई जानता है कि जर्मन शेफर्ड अलग अलग कोट्स में आते हैं, जैसे कि स्मूथ, मीडियम, डबल या फिर लॉन्ग कोट। तो ये जो पपीज हैं ये डबल कोट में है। तो डबल कोट के पपीज का फर्क कितना बड़ा हो जाता है, ये चीज आप लोग इनके पेरेंट्स को देखकर अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि पपीज के जो मदर फादर हैं वो दोनों ही डबल कोट में हैं, जिसे मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगा। बट उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जर्मन शेफर्ड वन ऑफ द लॉयलेस्ट एंड बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होती है। ये इजी टू ट्रेन है, जिन्हें आप लोग किसी भी चीज के लिए काफी आसानी से ट्रेन कर सकते हो। एंड गाइस जर्मन शेफर्ड को परचेज करने के बाद जितना हो सके यार टाइल अवॉइड करें, क्योंकि भाई अगर आप लोग इन्हें टाइल्स पर रखोगे तो इनके जो लेग्स हैं वो बेंड हो सकते हैं। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, और हमेशा इनकी डाइट में कैल्शियम मल्टीविटामिन्स जरूर ऐड करें, जो कि इनकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और गाइस मेरे काफी व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि पपीज को परचेज करने के बाद उन्हें डाइट में क्या देना चाहिए, तो बहुत से लोग उन्हें दूध एंड ब्रेड देना स्टार्ट कर देते हैं। भाई ये पपीज की ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। तो प्लीज अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के पपीज की ग्रोथ अच्छी हो, तो आप लोग इन्हें स्टार्टर फीड दें, जो कि पपीज की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। और सभी स्टार्टर फीड का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप लोग किसी भी ब्रांड का कोई भी स्टार्टर फीड परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पपीज की मदर को तो आप लोग देख ही चुके हैं, तो फिलहाल जो आप लोग देख रहे हैं ये है इन पपीज के फादर। भाई फादर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, प्योर डबल कोट में है एंड काफी हेल्दी भी है। तो मुझे नहीं लगता कि क्वालिटी में आप लोगों को कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी फिर भी आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो डायरेक्ट डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करके हर एक चीज अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं इन पपीज की बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो गाइस पपीज जो है ये 35 डेज के हो चुके हैं एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है द्वारका दिल्ली एनसीआर से। और हाँ ओनर जो है वो आप लोगों को दिल्ली एनसीआर में डिलीवरी प्रोवाइड करा पाएंगे। अगर आप लोग आउट ऑफ दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को डायरेक्टली ओनर को विजिट करके इन पपीज को परचेज करना होगा। और गाइस प्राइसिंग को लेकर यहाँ पर छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ये है कि ओनर ने इन पपीज का प्राइस रिवील नहीं किया। मुझे नहीं पता इसका रीजन क्या है, तो उन्होंने स्पेशली ये बोला है कि इन पपीज के प्राइस के बारे में जानने के लिए आप लोगों को डॉग ओनर से ही कॉन्टेक्ट करना होगा। तो आप लोग उनसे कॉन्टेक्ट करके इनके प्राइस के बारे में जान सकते हो। बाकी मेरे जिस भी व्यूअर को इनके प्राइस के बारे में पता लगे तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके और उन्हें बार बार कॉल ना करनी पड़े। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।